हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट डिसा एकेडमी। सो हमने टूल फीचर ऑफ ट्रेड टाइगर सॉफ्टवेयर में हमने लास्ट वीडियो में देखा था वन क्लिक फिल्टर। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आज देखेंगे ऑप्शन कैलकुलेटर एंड हीट मैप। तो हम सीधे चले जाते हैं ट्रेड टाइगर सॉफ्टवेयर में, हम जा रहे हैं टूल्स। टूल्स में है जैसे वन क्लिक फिल्टर हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था, अब है ऑप्शन कैलकुलेटर। अब इसमें दो कैलकुलेटर दिए हुए हैं, पहला है ऑप्शन कैलकुलेटर और दूसरा है स्पैन कैलकुलेटर। सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन कैलकुलेटर। अब ऑप्शन कैलकुलेटर क्या दिया हुआ है, थियोरेटिकल वैल्यू कैलकुलेशन। अगर आपको कोई ऑप्शन की देखो ऑप्शन प्रीमियम कैसे बनते हैं, इंटरेस्टिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू इज इक्वल टू ऑप्शन प्रीमियम। अब अगर हमें थियोरेटिकल वैल्यू देखनी कि समझ लो कि 100 रुपये का प्राइस चल रहा है, जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं कि कोई स्टॉक प्राइस चल रही है 100 रुपया, हम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहे हैं 90 रुपया, हम डे ऑफ एक्सपायरी ले रहे हैं, चलो समझ लो कि 30 दिन में एक्सपायरी, एनुअल इंटरेस्ट रेट हम ले रहे हैं 10, वीक्स हम ले रहे हैं 10, डिविडेंड यील्ड हम 0 कैलकुलेट कर रहे हैं कि कोई डिविडेंड नहीं है। तो हम इधर सीधा करते हैं कैलकुलेट, तो इधर आ जाएगी कि जो कॉल का जो प्रीमियम है वो आ रहा है 10 और जो पुट का जो प्रीमियम है वो आ रहा है 0। अगर थियोरेटिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग हम चले, अगर डे ऑफ एक्सपायरी हम समझ लो ले रहे हैं 5 और अगर हम इधर कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो कॉल का प्रीमियम आ रहा है 10 रुपया 12, तो ये जो 0.12 पैसे वो भी क्या है, टाइम वैल्यू। अगर ये 0 कर देंगे तो इधर जो कॉल की जो प्रीमियम आएगी वो आएगी 10। अगर हम वीक्स अगर घटा के 5 कर दे रहे हैं और डिविडेंड यील्ड रखकर समझ लो 2 कर दे रहे हैं, तो हम इधर से कैलकुलेट करके इधर आ जाएगा 10.90। वीक्स हम 0 ले रहे हैं, डिविडेंड यील्ड भी 0 और फिर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वॉलेटिलिटी शुड नॉट बी ब्लैंक और 0, 0 तो हो ही नहीं सकती वॉलेटिलिटी। तो हम ये वापस 10 ले रहे हैं, एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट हम समझ लो 6 ले रहे हैं, ये हो गया कॉल का। अगर समझ लो कि इधर हम स्ट्राइक प्राइस दे रहे हैं 110, तो इधर जो पुट का जो प्रीमियम जो 0 दिखा रहा है, अब कॉल का प्रीमियम 0 दिखाएगा और पुट का प्रीमियम कुछ बढ़ के दिखाएगा, जैसे आ गया कॉल का पुट का प्रीमियम 9 रुपये क्योंकि हम 110 की स्ट्राइक प्राइस पर समझ लें। तो ये है थियोरेटिकल वैल्यू कैलकुलेशन। अगर आपको किसी की थियोरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप इधर आकर कर सकते हैं, क्योंकि डे ऑफ एक्सपायरी आप लिख सकते हैं कितनी डे ऑफ भी बाकी है एक्सपायरी के लिए, एनुअल इंटरेस्ट कैश मोस्ट प्रोबेबली 10% लगता है, वीक्स आपकी जो चल रही वॉलेटिलिटी आप समझ लो 10 लगानी 11 लगानी 14 लगानी आप इधर आके लगा सकते हो, जैसे समझ लो कि अगर हमने करें 14 और कैलकुलेट, तो इस हिसाब से आपकी ऑप्शन वैल्यू इधर निकल के आ जाएगी, टीटा डेल्टा गामा आपका सब इधर आ जाएगा। डे ऑफ एक्सपायरी आप जैसे बढ़ा देंगे और इधर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका डेल्टा टीटा विगा गामा की सारी वैल्यू ऊपर नीचे हो जाएगी। तो ये था ऑप्शन कैलकुलेटर, जो बेसिक आपको थियोरेटिकल वैल्यू अगर किसी ऑप्शन की निकालनी है तो आप इधर से निकाल सकते हैं। दूसरा इसमें है स्पैन कैलकुलेटर। अब स्पैन कैलकुलेटर कैलकुलेटर मतलब क्या, स्पैन का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ रिस्क। अब इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ क्या है, टू कैलकुलेट रिस्क एंड मार्जिन फॉर FNO पोर्टफोलियोस। कि समझ लो कि कितना कोई आपको निफ्टी का कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन या तो आपको निफ्टी या तो कोई भी FNO रिगार्डिंग कोई भी स्टॉक है और कुछ उसका कोई ऑप्शन अगर आपको उसको शॉर्ट करना है, अगर आपको बेचना है या तो निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्यूचर आपको ख़रीदना है, तो कितना मार्जिन आपको देना पड़ेगा, इनिशियल मार्जिन आपको कितना देना पड़ेगा टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर ट्रेड, तो वो करने के लिए आपको कहाँ करना पड़ेगा, स्पैन कैलकुलेटर। अगर समझ लो कि आपके को कोई स्टॉक में शॉर्ट करना है, कोई आपको कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना है और आपके अकाउंट में समझ लो 1 लाख 2 लाख रुपये पड़े, तो आप कितने लॉट आप शॉर्ट कर पाएंगे, तो एक लॉट में आपको कितना मार्जिन देना पड़ेगा, तो वो कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे समझ लो इधर दिया हुआ है एड स्क्रिप्ट, इधर हम जाएंगे सीधा निफ्टी, इधर लिखेंगे एक्सपायरी हमने लिखी 23 नवंबर और ये 17,700 का कॉल ऑप्शन, हम इसे करेंगे ऐड, जैसे ही ऐड करेंगे इधर करना है ऐड टू ग्रिड और ये बाय है उसको बाय के बदले हम कर देंगे सेल और इधर सीधा करेंगे हम कैलकुलेट, तो टोटल 90,600 रुपये हमें एक निफ्टी 19,700 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट करने के लिए हमें 90,600 रुपये हमें देने पड़ेंगे। तो इसी तरीके से आप अलग अलग स्टॉक्स या अलग अलग स्ट्राइक प्राइस आपको कितने पे करने पड़ेंगे इनिशियल मार्जिन, यहीं अगर आप सेल की जगह अगर आप बाय कर रहे हैं
तो कितना देना पड़ेगा, 4,500 रुपये। यही अगर आप सेल कर रहे हैं तो कितना देना पड़ेगा, 90,000 रुपये। तो इसे बोलते हैं इनिशियल मार्जिन टू एग्जीक्यूट डेट ट्रेड, कि अगर आपको 19,700 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना है तो आपके अकाउंट में 90,641 रुपये होने चाहिए। अगर आपको बाय करना है तो आपके अकाउंट में 4,592 रुपये होने चाहिए। तो ये दो कैलकुलेटर, अगर आपको मार्जिन कैलकुलेट करना है कि कितना मार्जिन चाहिए टू एग्जीक्यूट दिस ट्रेड, तो आप इस मेन कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हम देख रहे हैं अब टूल्स में जाके हीट मैप। हीट मैप क्या है, इधर जाके हमें करना है, इधर राइट क्लिक करेंगे, जाके करना है डॉक एज डॉक्यूमेंट, और इधर से हमें इधर बढ़ा देना है। हीट मैप क्या है कि कौन सी इंडेक्स ऊपर है, कौन सी इंडेक्स नीचे है, पूरा ब्रॉडर मार्केट अगर आपको देखना है तो आप इधर से आराम से देख पाएंगे। अब इसमें भी आप मार्केट सेगमेंट है, NSE BSE दोनों मोस्ट प्रोबेबली सेम रहेंगे, MCX और NSE FO, हम एक एक करके देख रहे हैं। सबसे पहले NSE, अब NSE में इंडेक्स, जितनी भी इंडेक्स है वो कौन सी प्लस है वो सबसे ऊपर दिखाएगी, जो सबसे नीचे है वो सबसे माइनस में दिखाएगी। अब Nifty IT, अगर समझ लो कि किसी को इंट्राडे ट्रेड लेना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट टूल है हीट मैप। अब आपको इंट्राडे में बुलिश सेगमेंट में ट्रेड लेना है तो आप Nifty IT में लेंगे क्योंकि वो ऊपर है। बेरिश सेगमेंट में लेने तो Nifty Auto में लेंगे क्योंकि वो पर्टिकुलरली नीचे। अब Nifty IT में भी, तो Nifty IT में भी कौन सी कंपनियां ऊपर है, तो आप इसमें डबल क्लिक करेंगे तो उसके सारी कंपनियां खुल जाएगी, क्योंकि Nifty IT में कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो ये LTTS, Persistent, HCLTech, जो सारी ऊपर है, Infosys, TCS वगैरह जो लो गेनर है, सबसे हाईएस्ट गेनर LTTS है। उसी तरीके से अगर समझ लो कि आपको ऑटो सेक्टर में देखना है तो ऑटो सेक्टर माइनस में, तो हमें ये सारे स्टॉक्स नहीं बेचने, हमें बेचने कौन से, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, M&M, TVS मोटर, जो पर्टिकुलरली बेरिस है कंपेयर टू डिस। अब हीरो मोटोकॉर्प तो ऊपर है तो आपको ऊपर से नहीं बेचना, अगर समझ लो कि वो 2-3% ऊपर है और ऊपर से कुछ रिवर्सल दिखा रहा है तो आप हीरो मोटोकॉर्प भी बेच सकते हो, बजाज ऑटो भी बेच सकते हो, तो आप ये भी कर सकते हो। उसके बाद इधर इंडेक्स में भी अलग अलग ऑप्शन दिए हुए, ऑल और रीसेंट मतलब अभी अभी आपने जो खोला होगा वो दिखाएगा। एक है ब्रॉडर मार्केट इंडाइसिस, मतलब Nifty, Nifty 100, 500, सारे 500 अगर आप करेंगे, 100 करेंगे जो सारे 500 स्टॉक्स, जो निफ्टी 500 में जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारी लिस्ट इधर आपको वन क्लिक में देखने को मिल जाएगी, कौन सबसे ज़्यादा ऊपर है और कौन सबसे ज़्यादा नीचे। इसी तरीके से आप देखो, ये ब्रॉडर मार्केट हो गया। उसके बाद है सेक्टरल इंडेक्स, निफ्टी ऑटो करेंगे, 100 करेंगे, इधर आपको निफ्टी ऑटो के सारे स्टॉक्स दिख जाएंगे। FMCG करेंगे, 100 करेंगे, इधर आपको FMCG के सारे स्टॉक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसी तरीके से और भी है थेमेटिक इंडेक्स, अब उसमें भी एनर्जी, इंफ्रा, फिर MNC, PSE सारी इंडेक्स आप करेंगे, जैसे MNC करके आप 100 करेंगे, MNC में जो सारे स्टॉक्स है वो आपको इधर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद है ये एक स्ट्रेटेजिक इंडाइसिस, उसमें भी क्या है Nifty 50 Value 20, मतलब Nifty 50 में से 20 स्टॉक्स अलग करके एक इंडेक्स बना के रखिए, आपको वो देखनी है तो इधर 20 स्टॉक आपको दिखा देंगे। उसके बाद Nifty Alpha 50, अब ये अलग इंडेक्स है जिसमें निफ्टी के अलावा भी, जैसे Nifty 50 में जो स्टॉक्स है उसके अलावा भी कुछ कुछ स्टॉक्स इधर ऐड होंगे, जैसे साइंट है, KPIT, NCC वगैरह। तो आपको Nifty Alpha 50, कोई समझ लो कि कोई म्यूचुअल फंड है जो Nifty Alpha 50 की इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है और उसी पोर्शन में पैसे लगा रहा है, तो उसको तो सिर्फ यही देखना है। तो आपको जो देखना है आप इधर से देख पाएंगे, और अदर्स में जाके भी आपको अगर कुछ देखना है तो आप भी ट्रेड प्लस, ये FNO अंडरलाइन भी आप देख सकते हो कि कौन कौन से FNO स्टॉक्स है जो प्लस में है, जैसे इंडस टावर सीधा आ गया प्लस, और कौन सबसे माइनस है, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। सो अब इधर से हम चेंज करेंगे, देखो NSE BSE मोस्ट प्रोबेबली सेम होगा। उसके बाद है MCX, MCX में क्या क्या आएगा, बुलियन मतलब सोना चांदी में अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हो तो आप इधर जाके देख सकते हो। उसके बाद है मेटल में जाके आप करेंगे तो कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, लीड वगैरह आ जाएंगे। एनर्जी में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, तो MCX में जाके भी आप ये देख सकते हो। फिर NSE FO, उसमें भी ट्रेड प्लस,
इसमें जैसे हमने वन क्लिक फिल्टर में देखा था नियर मंथ फ्यूचर, फार मंथ फ्यूचर, नेक्स्ट मंथ फ्यूचर, तब नियर मंथ में जाके भी शो करेंगे, डेटा डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगा। डिक्टेड प्लस करके देखेंगे तो जो नियर मंथ होगा जैसे नवंबर है तो नवंबर के सारे डेटा आपके सामने आ जाएंगे। जो प्लस है वो प्लस में दिखाएंगे, ग्रीन में दिखाएंगे, जो माइनस है वो माइनस में दिखाएंगे। तो ये था पूरा हीट मैप। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट है आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।